हेलो एवरीवन। तो यार हमारी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की अपडेट्स आ गई हैं। मैं इस वीडियो में आपको सारी अपडेट्स देने वाला हूँ, बट उससे भी ज़्यादा बच्चों को ये समझ नहीं आता क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में बीकॉम और बीबीए के बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। और हमारे दो सेशंस होते हैं एडमिशन के लिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में, तो मैं उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि कौन से सेशन में आपको बैठना चाहिए। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, मैं यहाँ पे आपको बीबीए के कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ और बीकॉम के कोर्सेज के लिए बताने वाला हूँ। वो कोर्सेज जो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे हैं ही हैं, साथ के साथ अगर आप आर्ट्स या साइंस से भी बिलोंग करते हो तो भी आप इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में। उसको भी थोड़ा मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब देखो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कौन कौन से बीबीए के कोर्सेज हैं और कौन कौन से कैंपसेज में वो अवेलेबल हैं। हमारे क्राइस्ट के बेसिकली तीन कैंपसेज हैं मेजर, बैंगलोर में हमारे कैंपसेज, हमारा एक पुणे में है और एक हमारा दिल्ली में है। तो हमारे देखो बीबीए में कई सारे वर्जन्स हैं हमारे पास क्राइस्ट में। अब देखो मैं आपको बता देता हूं, क्राइस्ट का जो मेन नेम है बीबीए में या फिर कॉमर्स में, उनका नेम अपना मेजर है बीबीए ऑनर्स की वजह से और बीबीए नॉर्मल की वजह से। अब अगर आप मानो बीबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो, इनफैक्ट अगर आप क्राइस्ट में अप्लाई कर रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बीबीए ऑनर्स के लिए तो आप बिल्कुल डेफिनेटली अप्लाई करो ही करो, ये इनका फ्लैगशिप कोर्स है जिसकी वजह से नाम है इनका। उसके अलावा आप बीबीए नॉर्मल में भी अप्लाई कर सकते हो, ये थोड़ा जनरल कोर्स हो जाता है। बीबीए ऑनर्स में आप स्पेशलाइजेशन अपनी तरफ से चूज कर सकते हो, बट अगर आपके कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट हैं जैसे टूरिज्म, ट्रैवल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल या इंटरनेशनल बिजनेस और फाइनेंस अकाउंटिंग या बिजनेस एनालिटिक्स, तो ये वाले जो बीबीए कोर्सेज है बिल्कुल प्योर स्पेशलाइजेशन है। अगर आप बीबीए फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में जाते हो, तो आप 3 साल फाइनेंस और अकाउंटिंग बहुत डीपली पढ़ोगे, आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट पढ़ना चालू कर दोगे। बीबीए ऑनर्स में आपके पास सेकेंड और थर्ड ईयर तक आते आते आपको स्पेशलाइजेशन की चॉइस मिलेगी, और बीबीए जो नॉर्मल होती है उसमें आपका जनरल रहेगा, उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं होंगी ज्यादा। तो आपको बीबीए ऑनर्स के लिए तो डेफिनेटली अप्लाई करना है, और बीबीए के लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अप्लाई कर लो, ठीक है। उसके अलावा इन चारों में से अगर आपका किसी स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट है, तो फिर आप उस स्पेशलाइजेशन का भी मैं कहूंगा फॉर्म भर देना। अब अगर हम बीकॉम की बात करें, ठीक है, बीकॉम के लिए क्राइस्ट मतलब ठीक है, एज अ बैकअप मैं कहूंगा बीकॉम को भरना, अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस बीबीए और बीबीए ऑनर्स रखना। तो बीकॉम को भी आप क्राइस्ट में कंसिडर कर सकते हो अगर आप बैंगलोर, पुणे या दिल्ली से हो, बट बीकॉम के लिए हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेटर रहता है। अगर क्राइस्ट में आपको जाना है, आपको लग रहा है आपके 12% नहीं आएगी, तो आप बैकअप के लिए बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स रख सकते हो। बीकॉम ऑनर्स ज़्यादा बेटर रहेगा बीकॉम के मुकाबले। और अगर आपको किसी भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करनी है, तो यहाँ पे मैंने अलग अलग स्पेशलाइजेशंस के अंडर बीकॉम मेंशन किया है, और यहाँ मेंशन किया है कि कौन से कैंपसेस क्राइस्ट के वो स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। अब देखो इतने सारे कोर्सेज में से आपको किन किन के फॉर्म्स फिल करने चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। बीबीए और बीबीए ऑनर्स का तो आपको डेफिनेटली फॉर्म भरना चाहिए। उसके अलावा बीबीए और बीकॉम में से, अब देखो हर कोर्स का फॉर्म फिल करने का 1500 रुपये का खर्चा है, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ऑब्वियसली ये दोनों 1500-1500 3000 रुपए तो यहां पे हो गए, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा दो या एक और बैकअप एटलीस्ट ले लेना बीबीए या बीकॉम में से, जिस भी स्पेशलाइजेशन में आपका इंटरेस्ट हो, बट बीबीए बीबीए ऑनर्स तो भर ही देना। अब आते हैं हम एडमिशन प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा इनका कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको इनका प्रोसेस बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कैसे होता है। देखो सबसे पहला स्टेप, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, 1500 रुपीज का है, जो कि हर प्रोग्राम के लिए। देखो ये जो मैंने यहां पे लिस्ट में आपको प्रोवाइड करे हैं, इनमें से अगर आप जितने भी डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करोगे, सबके लिए आपको 1500 रुपए पे करने पड़ेंगे। पर आपको मैं एक चीज बता दूं, इन्होंने मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया वेबसाइट में इतनी बड़ी गलती क्यों कर रखी है क्राइस्ट वालों ने अपनी फॉर्म की। एक चीज मैं आपको बता दूं आपके पैसे बचाने के लिए, बहुत सारे देखो क्राइस्ट वालों ने क्या किया हुआ है अपने फॉर्म फिलिंग की वेबसाइट पे, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कि आपकी बीबीए ऑनर्स फॉर एग्जांपल दो कैंपसेस में है, बैंगलोर और दिल्ली एनसीआर, तो इन्होंने दो फॉर्म्स के लिंक प्रोवाइड करे हुए हैं। एक इन्होंने लिखा हुआ है बीबीए, बीबीए और फिर उसके आगे लिखा हुआ है दिल्ली,
ठीक है, और एक इन्होंने लिखा हुआ है सिर्फ बीबीए। तो अगर आप सिर्फ बीबीए का फॉर्म फिल करते हो तो उसमें आप बैंगलोर और दिल्ली दोनों के लिए एक ही फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको 1500 रुपये दो बार खर्चने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दोनों कैंपसेज में एक साथ अप्लाई कर दोगे। बट अगर आप बीबीए दिल्ली की तरफ जाते हो तो फिर आपको बीबीए दिल्ली और बीबीए बैंगलोर का अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जब आप इनके फॉर्म की लिस्ट खोलोगे ना फॉर्म फिलिंग की, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बट आपको जो सिर्फ बीबीए लिखा है या फिर सिर्फ बीबीए ऑनर्स लिखा है, जो भी आपको एक दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है, उसको उस लिंक पे क्लिक करना, आपके पैसे बच जाएंगे, दोनों कैंपसेस के लिए सेपरेट फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा एक तो एप्लीकेशन फॉर्म 1500 रुपए का, ठीक है। आपके जितने भी मैंने ये कोर्सेज बताए हैं, ठीक है, ऑल्दो इन सब के फॉर्म अलग अलग फिल होंगे, पर इन सब का एंट्रेंस एक होगा, डेट टाइम सब एक होगा, आप एक एंट्रेंस दोगे और जितने भी कोर्सेज के लिए आपने फॉर्म फिल किया है उन सब के लिए, इन सब में जितने भी मैंने मेंशन किए हैं इन सब में आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे वो स्कोर, अपने आप उन सब के लिए कॉलेजेस के पास चला जाएगा। और मैं आपको एक चीज दोबारा बोल दूं, जैसे मैंने बोला है कि हर कोर्स जो भी मैंने मेंशन किया टेबल में, आपको अलग अलग एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, टेस्ट एक होगा। फिर उसके बाद जब आपका फॉर्म आप फिल कर दोगे तो आपको सेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के दो सेशंस होते हैं, मैं यहां पे आकर आपको दिखाता हूं। हां देखो, यहां पे मैंने डेट्स भी मेंशन करी हुई हैं। देखो इनके क्या होता है, दो एंट्रेंस होते हैं, दो बार होते हैं इनके एंट्रेंसेस, और इनके एडमिशन के पूरे सेशन भी दो बार होते हैं, ठीक है। सेशन वन कहते हैं एक को ये, और ये सेशन टू कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे सारी डेट्स को देखें, अगर हम देखो दोनों सेशंस की फॉर्म निकल चुके हैं, ठीक है, सेशन वन की जो लास्ट डेट है फॉर्म की भरने की वो है 4th अप्रैल, सेशन टू की है 16th अप्रैल। एग्जाम डेट जो है सेशन वन की वो 14th अप्रैल है, और उसका जो इंटरव्यू है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं क्या होता है क्राइस्ट में। क्राइस्ट में आपका एग्जाम के बाद आपका एसे, स्किल असेसमेंट, पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू, और एमपी यानी माइक्रो प्रेजेंटेशन, ये तीन चीजें भी होती हैं। अगर आप एंट्रेंस अपना क्रैक कर दो और शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो इन तीनों के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा फ्यूचर में, ठीक है। तो जैसे आपका जो फर्स्ट सेशन है उसमें अगर आपने ऑप्ट किया तो 14th को आपका एग्जाम होगा, 15th से 18th तक आपके आ जाएंगे इंटरव्यू की आपकी डेट्स और लोकेशन, और आपका 15 से 18 के बीच बीच में आपके इंटरव्यू, एमपी और ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे, कंडक्ट हो जाएंगे, और रिजल्ट जो है आपका फर्स्ट सेशन का 20th अप्रैल से पहले आ जाएगा। तो यानी अगर हम देखें, भाई देखो NMIMS नारसिमुंजी की डेट आ गई है, आपकी IIM इंदौर, IIM रोहतक सबकी डेट आ गई है, और उनके जो एंट्रेंस है वो सेशन वन के बाद ही है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो सेशन टू, भाई 16th अप्रैल तक लास्ट डेट है फॉर्म की, 26th अप्रैल को एग्जाम है, 27 से 30th अप्रैल में आपका होगा इंटरव्यू वगैरह, और आपका 2nd मई से पहले या 2nd मई तक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो सेशंस होते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया मैं सेशन वन से फॉर्म फिल करूं या सेशन टू का फॉर्म फिल करूं, मैं क्या करूं। देखो यार, इसमें मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि आप ना सेशन वन, अगर देखो आपके घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल दिक्कत है, ठीक है, आपका बजट लिमिटेड है, तो उस केस में तो मैं कहूंगा कि सीधा सेशन टू का ही कर लेना। बट अगर आपके घर में फाइनेंशियल ट्रबल नहीं है, आप थोड़े बहुत 10-20 हज़ार रुपये अपने खर्च कर सकते हो, तो उस केस में कहूंगा सेशन वन भी कर लेना, सेशन टू भी कर लेना। ऐसा मैं क्यों करने को कह रहा हूं, मानो आपने सेशन वन दिया, आपका 14th को एग्जाम हुआ और आपका इंटरव्यू हुआ और रिजल्ट आया, और आपका रिजल्ट के बाद आपका एडमिशन डन हो गया, ठीक है, तो आपके लिए एक बहुत तगड़ी सिक्योरिटी हो जाएगी कि आगे फ्यूचर वाले एंट्रेंसेस में आपको एटलीस्ट ये रहेगा कि भाई अगर नहीं हुआ उनमें किसी भी केस में, तो आपके पास क्राइस्ट का एडमिशन होगा जो कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी है इंडिया की, ठीक है, आपको किसी भी तरीके का रिस्क नहीं रहेगा। और अगर मानो नहीं हुआ सेशन वन में, तो आपके पास सेशन टू का भी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर आपका सेशन वन का हो गया और फिर आप कहते हो कि भैया मेरा IIM रोहतक हो गया या DU जैट में हो गया, तो कोई टेंशन नहीं है, आपके थोड़े बहुत पैसे डिडक्ट होकर आपकी फीस आपको वापस मिल जाएगी। बट हाँ, थोड़ी बहुत डिडक्शन होगी और थोड़ी बहुत फीस वापस लेने में दिक्कत होगी, बट क्या वो वर्थ होगा उस पेन का। मैं कई यूट्यूबर्स की देखता हूँ वीडियोस, कुछ कहते हैं नहीं होगा। मेरा इस पे ये कहना है, भाई आपके फ्यूचर का सवाल है, अपने फ्यूचर में किसी भी तरीके का रिस्क मत लो, ठीक है। मैंने बहुत बच्चों को देखा अपने आगे जिनका ईयर वेस्ट हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि वो कुछ थोड़े बहुत पैसे का लालच कर लेते हैं, आलस या रिस्क ले लेते हैं। मैं ऐसा रिस्क लेने को नहीं रिकमेंड करूंगा, मैं कहूंगा सेशन वन भर लो। अगर आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कत है तो फिर ठीक है यार, सेशन टू कर लेना, बट कर लोगे तो बेटर रहेगा।
उसके बाद जैसे मैंने बताया एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, सेशन के लिए अप्लाई किया, फिर आपका एग्जाम CUET के लिए अपीयर करना है और फिर आपको उसके लिए अपीयर करना है उनके इंटरव्यू वगैरह के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है? देखो मैंने आपको क्या बोला कि सबसे बेस्ट इनके कोर्सेज हैं BBA और BBA ऑनर्स। उनका सिंपल एलिजिबिलिटी ये है कि आप अगर BBA और BBA ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, सिंपल बस ये है कि आप 12th पास हो। उसके अलावा आप किसी भी बोर्ड से, CBSE से हो, अगर आप ओपन स्कूलिंग या किसी भी इंडिया के रिकॉग्नाइज बोर्ड से हो आप एलिजिबल हो, और अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, कोई दिक्कत नहीं है, सब एलिजिबल हैं। ठीक है, तो BBA और BBA ऑनर्स का एलिजिबिलिटी काफी ज्यादा सिंपल है। बट अगर हम दूसरे कोर्सेज की बात करें, ठीक है, मैंने यहां बहुत सारे आपके आगे ये इतनी बड़ी लिस्ट है, ठीक है, इन सब में थोड़ा थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर किसी का डिफरेंट है। तो अगर आपको सबका जो, अगर आप किसी और कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो बीबीए और बीबीए ऑनर्स के अलावा, तो आप इस लिंक पे जा सकते हो और आपको अलग अलग कोर्सेज का एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगा। बट अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं तो मोस्टली कोर्सेज का आपका एलिजिबिलिटी यही है कि आप 12th पास हो। कुछ कोर्सेज के लिए 55% चाहिए होते 12th में, और कुछ कोर्सेज के लिए 60% चाहिए 12th में, बट 60% से ज्यादा एलिजिबिलिटी किसी भी कोर्स का नहीं है। तो अगर आप 55 या 60% से ज्यादा ला रहे हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, तो एलिजिबल आप होगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम का इनका पैटर्न क्या है। देखो 2020 का एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न नहीं आया है, मैं आपको 2019 का पैटर्न दिखा रहा हूं। हमें चांसेस तो कम लग रहे हैं किसी भी तरीके का चेंज होगा, बट अगर चेंज हुआ तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पे मैंने अलग अलग एंट्रेंसेस का, मतलब अलग अलग कोर्सेज का लिख दिया है सिलेबस। अगर हम सब्जेक्ट देखें, देखो अलग अलग जो भी कोर्सेज हैं इन दोनों सेट्स में डिवाइड किया है, तो इनके जो क्वेश्चन की अलग अलग सब्जेक्ट्स की बस नंबर्स हैं वो चेंज हुए हुए हैं, बाकी सब्जेक्ट्स वही हैं। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? आपका रीजनिंग है, आपका डेटा एनालिटिक्स है, आपका इंग्लिश है, आपका मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज है, तो ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं, और अकाउंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे सब्जेक्ट्स हैं। आपका करेक्ट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, करेक्ट क्वेश्चन का आपको 1 मार्क मिलेगा और नेगेटिव का आपका 0.25 यानी 1/4 मार्क्स आपके कटेंगे। 120 क्वेश्चन है और 120 ही आपको मिनट मिलने वाले हैं, तो भाई आपका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरीके से रहेगा। और हाँ, अगर आप इस एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, साथ की साथ आप DU JAT, IIM इंदौर, नासी मुंजी, इंडिया के सारे टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हमारा ऑनलाइन क्रैश कोर्स अब अवेलेबल है। आपके क्राइस के भी और सारे एंट्रेंसेस में जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो हमने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर करे हैं। साथ में हम आपको मॉक्स देंगे ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए, और हम आपके घर पे बुक सेट भेजेंगे आप, ताकि उसको बिल्कुल थॉरली प्रैक्टिस कर सको हर टॉपिक को। और किसी भी डाउट के लिए आप मुझसे और जो भी सब्जेक्ट फैकल्टी है उनसे डायरेक्ट टच में रहोगे। तो भाई अगर आप अपनी सीट रिजर्व करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और जो आपकी कोर्स की फीस है वो सिर्फ 5500 रुपीज़ है, और आप 1000 रुपीज़ दे के अपनी सीट रिजर्व करा सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, एंड बाय।